बड़ा फैसला लिया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को निरस्त किया जाएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा को पूरी शुचिता के साथ 6 महीने के भीतर दोबारा का आयोजित कराया जाएगा। युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले एसटीएफ के रडार पे हैं। कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बागपत में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर निरस्त होने पर अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। अभ्यर्थियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। साथ ही सरकार को अभ्यर्थियों ने धन्यवाद दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन पूजन किया। नेपाल के विदेश मंत्री अपनी पत्नी के साथ रामनगरी पहुंचे थे। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद दिल्ली में भारत सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के बाद सड़क मार्ग से नेपाल के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच गहरा सांस्कृतिक संबंध रहा है। हम लोग धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। का राम मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। मैं भारत सरकार के द्वारा आयोजित रायसेना डायलॉग में सहभागी होने के लिए नया दिल्ली आया था और उसके बाद भगवान श्री राम का दर्शन करें करके हम लोग अयोध्या आए हैं। इस बीच में यहाँ के प्रशासन, पत्रकार, सभी लोगों ने जिन्होंने हमारा स्वागत किया है उनको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से है। 2 मार्च को प्रयागराज आ सकते हैं पीएम मोदी। परेड मैदान में हो सकता है पीएम का कार्यक्रम। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का कर सकते हैं उद्घाटन। 2843 किलोमीटर का डीएफसी बनकर तैयार है। गुड्स ट्रेनों की गति बढ़ाने में डीएफसी की भूमिका सबसे अहम होगी। महाकुंभ 2025 के पहले ज्यादातर मालगाड़ियों को डीएफसी पर शिफ्ट करने की तैयारी है। डीएफसी पर मालगाड़ियां चलाने के साथ ही उनकी स्पीड भी बढ़ा दी जाएगी। पीएम मोदी श्रृंगवेरपुर के धाम में स्थापित की गई भगवान श्री राम और निषादराज की प्रतिमा का भी लोकार्पण कर सकते हैं। अलीगढ़ से लखनऊ के लिए हवाई सेवा 2 मार्च से शुरू होगी। पहले चरण में लखनऊ, आजमगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती के लिए विमान सेवा शुरू होगी। यहां से एयरबस 320 और बोइंग 737 भी उड़ान भरेंगे। बता दें कि अलीगढ़ एयरपोर्ट 110 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों से सुनिश्चित करने को कहा है कि 3 साल पूरा करने के बाद जिन अधिकारियों का जिले से बाहर ट्रांसफर किया जाता है उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी दूसरे जिले में तैनात न किया जाए। चुनाव आयोग की नीति के मुताबिक उन अधिकारियों का ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है जो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक ही जगह पर 3 साल पूरे कर चुके हैं। इनमें वे अधिकारी शामिल हैं जो किसी भी तरह से चुनाव कार्य से जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने एक कदम उठाया है। संत रविदास की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि गुरु रविदास जयंती पर उन्हें आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। इस अवसर पर देशभर के अपने परिवारजनों को ढेरों शुभकामनाएं। समानता और समरसता पर आधारित उनका संदेश समाज की हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। और ये बीमारी मानवता को खा रही है। जात पात के फेर में ही उर्जी रही सब लोग, मनुष्यता को खात हुई रैदास जात कर रोग। अर्थात सब लोग जात पात के फेर में उलझे हैं और ये बीमारी मानवता को खा रही है। रविदास जी को
उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत, रविदास पराधीन सौ कौन करे है प्रीत, यानी पराधीनता सबसे। लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का महामंथन हो रहा है। जेपी नड्डा ने संत रविदास को नमन किया है। बीजेपी चुनाव प्रभारी से प्रभारी के साथ यहां पर बैठक हो रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा ने संत रविदास को नमन किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का महामंथन हो रहा है। संत रविदास जी की जयंती के मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा का लोगों को अमर संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित तथा देश दुनिया में रहने वाले उनके सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं तथा उनके उपदेशों को अपनाकर जीवन संवारने का आह्वान। उनका संदेश अपने कर्म से धर्म को संकीर्ण राजनीतिक एवं चुनावी स्वार्थ आदि के लिए नहीं बल्कि इंसानियत और जनसेवा के लिए समर्पण का है। इससे भुला दिए जाने के कारण बहुजनों का जीवन यहां अनेकों समस्याओं से त्रस्त, राजनीतिक स्वार्थ हेतु उनको माथा टेकने वालों से सावधानी जरूरी। संत रविदास जयंती जी के मौके पर वाराणसी के सिर गोवर्धन में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। गुरु के प्रति रविदासी अपनी आस्था गुरु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। रविदासी महिलाओं की भी खासी भीड़ है। सत्संग से लेकर लंगर तक महिलाएं अपनी भक्ति संत रविदास के चरणों में अर्पित कर रही हैं। वाराणसी का सिर गोवर्धन संत रविदास जी की जन्मस्थली है। संत रविदास जी की आज 647वीं जयंती है। गुरु के चरणों में हाजिरी लगाने पंजाब और हरियाणा के साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल गुरु चरणों में अपनी हाजिरी लगाकर संत रविदास के संदेश को जन जन तक पहुंचाया था।